हेलो फ्रेंड्स, तो देखो मॉर्बियस का पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा था या फिर बुरा वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस एक पोस्ट क्रेडिट सीन ने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए रास्ते खोल दिए हैं। और ये भी क्लियर हो चुका है कि अब वल्चर और मॉर्बियस मिलकर सिनिस्टर सिक्स की एक टीम बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आप एंड्रू गारफील्ड के फैन हो तब तो आपको पता ही होगा कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में सिनिस्टर सिक्स अपीयर होने वाले थे, लेकिन यार अनलकीली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, अब ये मूवी जरूर बनेगी और अब मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मॉर्बियस के डायरेक्टर ने खुद ही ऐसा कहा था कि वेनम और मॉर्बियस एक ही यूनिवर्स में है और उसी यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन भी है, और वो स्पाइडरमैन 101% एंड्रू गारफील्ड का ही स्पाइडरमैन है। तो इसलिए दोस्तों, अब जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आने ही वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोनी आंटी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कौन कौन से विलेन हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो सिनिस्टर सिक्स की टीम बनेगी उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो यार इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सिनिस्टर तो हो गया वल्चर, जो कि अब सोनी यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है, एंड मोस्ट प्रोबेबली सिनिस्टर सिक्स का लीडर भी वल्चर ही होगा। फिर दूसरा मेंबर होगा मॉर्बियस, क्योंकि अब उसने वल्चर के साथ हाथ मिला लिया है। अब देखो आखिर मॉर्बियस वल्चर का साथ क्यों दे रहा है ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन यार पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मॉर्बियस को स्पाइडरमैन का डीएनए चाहिए होगा। हो सकता है कि मॉर्बियस को ऐसा लगा हो कि स्पाइडरमैन के डीएनए से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि यार इसके अलावा तो मुझे और कोई रीजन अभी तक समझ में नहीं आ रहा। स्पाइडरमैन का डीएनए ही एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसके वजह से मॉर्बियस उसके पीछे पड़ जाए। तो खैर दोस्तों, अब तीसरा मेंबर वेनम हो सकता है, जो कि स्पाइडरमैन को ढूंढ भी रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक ने कहा भी था कि वो स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए जाएगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि वेनम 3 के अंदर उसकी ये तलाश खत्म भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब यहां सवाल ये भी है कि आखिर एडी ब्रॉक सिनिस्टर 6 को ज्वाइन क्यों करेगा, क्योंकि फिलहाल तो उसकी स्पाइडरमैन से कोई दुश्मनी है नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल इसके लिए मेरे पास एक थियरी है कि शायद वेनम 3 के अंदर वेनम का होश कोई और बन जाएगा, जो कि स्पाइडरमैन से नफरत करता होगा। या तो यार टॉम हार्डी का भी वेनम दिख ही सकता है, बस स्पाइडरमैन को उंगली करने की जरूरत है। तो खैर अब मूविंग ऑन, चौथा विलेन हो सकता है राइनो, जिसकी कहानी को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एक हल्का सा स्टार्ट मिल चुका था। और इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड ने कहा भी था कि एक बार वो एक रशियन से भी लड़ा था जो खुद को राइनो कहता था, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि एंड्रू गारफील्ड ने पेल पेल के मारा है उसको, और अब उसी का बदला लेने के लिए राइनो सिनिस्टर 6 की टीम को ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों, अब पांचवा मेंबर हो सकता है हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गोब्लिन, और यार उससे तो एंड्रू गारफील्ड भी नफरत करता होगा, ग्वेन दीदी की मौत जो हुई थी उसके वजह से। और यार ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एंड्रू गारफील्ड इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि यहाँ उसको अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना है, जिसको देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, अब तक सिनिस्टर 6 के 5 मेंबर्स तो मैंने आप सबको गिना दिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर छठा मेंबर कौन हो सकता है। तो यार देखो, इसके लिए मेरे पास दो नाम है। पहला है क्रेवन द हंटर, जिसकी एक सोलो मूवी भी आने वाली है, और फिर दूसरा है डॉक्टर ऑक्टेवियस, जिनको हमने अभी तक एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ऑस्कॉप की बिल्डिंग के अंदर हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स नजर आए थे, जिसका सीधा सा मतलब तो यही है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस दिखने वाला था। तो यार लेट्स सी कि क्रेवन द हंटर और डॉक्टर ऑक्टेवियस में से सिनिस्टर 6 की टीम को कौन ज्वाइन करेगा। फिलहाल तो यार इस बारे में सोचने के लिए हमारे पास और सोनी आंटी के पास काफी ज्यादा टाइम है। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर मुझसे कोई विलन छूट गया हो या फिर आपके इस बारे में कुछ अलग थॉट्स हो, तो फिर इस बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।